आप देख रहे हैं K21 न्यूज और मैं हूं बलवशा महमूद और मैं हूं मुताहिर जलील खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। मजमू हजम 8,000 अरब रुपए से जायद। तरक्याती बजट का तकमीरा 900 अरब रुपए रखने की तजवीज। ड्यामर भाषा मोहम्मद और दासू डैम पर 84 अरब रुपए, 50 करोड़, 244 अरब रुपए मोटरवेज, हाईवेज और दीगर मंसूबों पर खर्च करने की तजावीज। बजट खसारा 35 अरब रुपए मुतवक्के। IMF का टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव, पाकिस्तान का गरीब पर बोझ डालने से इंकार। वफाकी वजीर खजाना की प्री बजट कॉन्फ्रेंस, इसे काम के जाने पड़ने की नवीद। शरह नमो 4% पर 8% तक ले जाने का हदफ। ग्रे से व्हाइट लिस्ट पर आने के लिए पुरुमेज। शौकत करीम ने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। बरामदात रवा माली साल 25 अरब डॉलर्स की हो जाएगी। बशीर तजारत अब्दुल रजाक दाऊद की पेशगोई। फार्मास्यूटिकल और गारमेंट सेक्टर की पैदावार पर इत्मीनान का इजहार। इंजीनियरिंग की बरामदात बढ़ाने पर जोर। टेक्सटाइल वैल्यू एडिड की एक्सपोर्ट में इजाफा और कॉटन यान में कमी तसली बख्श। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी मालियाती इदारे डीजे मोर्गन की रिपोर्ट, आइंदा साल दरामदात बढ़ने के बाईस चैलेंजेस से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जारी खाते मुस्बत होने के बाईस रुपए की कदर में बेहतरी हुई। मालियाती खसारा भी बीटी के तनासब से कम होने लगा। सिंध कार्ड खेलने से इनकार। कार्ड न करने की बात। वजीर बल्दियात सिंध नासुर हुसैन शाह का विफाक पर सूबे का हक न देने का इल्जाम। जान की अमान मांग कर सिंध में कंपनी को फंड्स देने के फैसले पर एतराज। कहते हैं हकायक बयान करने के बजाय प्रोपेगेंडा किया जाता है। रवा माली साल के 87 अरब रुपए अभी तक नहीं दिए गए। मलेर का मॉडल पार्क कचरा कुंडी बन गया। बच्चों की तफरी की जगह छिन गई। इलाका मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना। मुतालिका हुकाम से पार्क की तामीर नौ का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना के बाईस मजीद 76 अफराद जाँ बहक। 1,303 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में अमवात की तादाद 21,500 से ज्यादा। तस्दीक शुदा केसेज की गिनती 9,37,000 से ऊपर जा चुकी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस जारी। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का आमना सामना। सुल्तान का जीत के लिए किंग्स को 177 रन का हदफ। The court accepts the existence of God every time. I think I hurt someone. You might sneak it on. Arnie Johnson pled not guilty. We think this family was cursed. By reason of demonic possession. I am not going before a grand jury and saying he was possessed by demons. Whatever happened that day, that was not Arnie. और हॉलीवुड की हॉरर फिल्म दी कॉन्जरिंग का सीक्वल अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर छा गया। रिलीज के साथ ही 2 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कमाई भी कर ली।